डेरिवेटिव ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शंस पर बेस्ड नेक्स्ट प्रॉब्लम इस प्रकार से है, हमें sec ऑफ tan रूट x का विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो x में चेंज करें तो पहले रूट x में, फिर tan ऑफ रूट x में, एंड लास्ट में sec ऑफ tan रूट x में चेंज होता है। इसलिए a x के बराबर, b रूट x के बराबर, c tan रूट x के बराबर और d sec ऑफ tan रूट x के बराबर होंगे। फोर वेरिएबल्स के लिए चेन रूल का फॉर्मूला इस प्रकार से होता है, dd अपॉन dA इज इक्वल टू dd अपॉन dC इंटू dC अपॉन dB इंटू dB अपॉन dA। इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करने पर हमें यह प्राप्त होता है, इसमें tan ऑफ रूट x को u तथा रूट x को v के इक्वल मानने पर वी गेट d बाई डी यू ऑफ sec u इंटू d बाई dV ऑफ tan v इंटू d बाई dx ऑफ x रेस टू द पावर 1/2। अब स्टैंडर्ड फॉर्मूले की हेल्प से इसे सॉल्व करने पर वी गेट sec u इंटू tan u इंटू sec स्क्वायर v इंटू 1/2 रूट x। u एंड v की वैल्यूज पुट करने पर हमें फाइनल आंसर प्राप्त होगा जो कि इस प्रकार से है। अब आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो अपने आप कुछ स्टेप्स स्किप करने लग जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन में यदि हम क्वेश्चन एंड फाइनल आंसर को ऑब्जर्व करें तो यदि हम इसे sec थीटा की फॉर्म में माने तो इसका डेरिवेटिव sec थीटा tan थीटा है। नेक्स्ट tan ऑफ रूट x को यदि हम tan थीटा की फॉर्म में माने तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर थीटा है। एंड लास्ट रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x है। तो इस प्रकार से हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर सकते हैं।